हेलो, आज मैं आपको एक स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा। वो स्टोरी एक लड़की के ऊपर है। इस स्टोरी का नाम है बेबी सिटर्स लिटिल सिस्टर। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर 1। तो फ्रेंड्स, वो लड़की कहती है, देखो देखो मैं आ रही हूँ। मेरा नाम करेन ब्रूअर है। मैं लगभग 7 साल की हूँ। मैं एक दुनिया की सबसे अच्छी स्केटर हूँ। वैसे पूरी दुनिया की खिलाड़ी तो नहीं और एक बहुत अच्छी खिलाड़ी भी नहीं, लेकिन मैं फिर भी बहुत अच्छी हूँ। ये सारी चीजें हैं जो मैं कर सकती हूँ। आगे जाना, पीछे जाना, घूमना, ब्रेक लगाना बिना गिरना और कोई भी ट्रिक ट्राई करना। दरअसल मेरे माता पिता ने ही मुझे ये सब ट्रिक्स करने के लिए अलाउ किया है, जबकि मैं एक ही करना चाहती थी। मेरे माता पिता मुझे एक साहसी लड़की बुलाते हैं। शायद मैं साहसी लड़की ही हूँ। मुझे चीजों के ऊपर से कूदना बहुत पसंद है। मुझे साइड वॉक्स के हम्प्स में उड़ना बहुत पसंद है। देखो मैं आ रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ सोचने की और सावधान रहने की, लेकिन कभी कभार मैं भूल जाती हूँ। ये मजेदार है, जल्दी जाना। जब मैं बहुत तेज जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उड़ रही हूँ। फिर उसकी मम्मी कहती है कैरेन, और उसके भाई से कहती है एंड्रयू, जल्दी अंदर आओ, लगभग समय हो गया है तुम्हारे पापा के घर जाने का। फिर कैरन कहती है ठीक है। दरअसल मेरे माता पिता का डिवोर्स हो गया है और उन्होंने अलग अलग लोगों से शादी कर ली है। ये वाले हफ्ते मैं और मेरा भाई एंड्रयू जा रहे हैं हमारे पापा के घर कुछ दिन रहने। मैं अब एक वीकेंड का और वेट नहीं कर सकती रोलर स्केटिंग करने के लिए। मुझे एक और न्यू ट्रिक आई है जो कि मैं अब ट्राई करना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, आज सैटरडे है। फिर वो घूमने लगी। लेकिन रुको, मेरे मेरे खिलौने रूजी और ट्रिकी कहाँ है? फिर वो अपने उन दोनों खिलौनों को पकड़ के कहती है मुझे माफ कर दो मूजी, मुझे माफ कर दो टिकली। मैं मूजी को ज्यादातर देख नहीं पाती हूँ, वह मेरे पापा के घर में ही रहती है। मेरे पास लगभग दो है सभी, जबकि मेरे पास टिकली का हाफ है। हमने उसे हाफ में काट दिया था और आधा अपने पास रख लिया था। टिकली एक A4 साइज शीट है जो उसका दोस्त है, लेकिन हम उसे अपने पापा के घर पे ही भूल जाते हैं और मैं भूल जाती हूँ कि मुझे उसे घर भी लाना है। मेरे पापा का बहुत बड़ा घर है, ये सच्ची में एक बड़ा घर है। इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, डैडी, चार्ली, क्रिस्टी, डेविड, माचल, एलिजाबेथ, शनॉन, बुबू, सैम। तुम्हें कुछ स्पूकी सा सुनना है? हमारे आसपास
एक बड़े घर में चुड़ैल रहती है। चुड़ैल? सच्ची में मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो अपने गार्डन में मैजिक हर्ब्स उगाती है, और उसके पास एक बिल्ली भी है जिसका नाम है मिडनाइट। पर छोटा घर मेरी मम्मी का है। मम्मी के घर में बहुत कम लोग रहते हैं, जैसे मॉमी, सेठ, एंड्रयू और मैं। और सेठ के डॉग मिर्जी और कैट का नाम है रॉकी। मुझे सब लोग पसंद है दोनों घर में, और मुझे एंड्रयू भी पसंद है। अगर हम लोग एक साथ रहते तो मैं तुम्हें हर दिन देख पाती मुझी, लेकिन कभी कभार मुझे लगता है कि हम सब एक घर में रहते हैं। वैसे अब समय हो चुका है उठने का। सूरज बहुत चमक रहा है। मुझे लगता है कि अब समय है अपनी उस न्यू ट्रिक को ट्राई करने का। चैप्टर 2 एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट करें। बाय। ये थी लाइफ एक्सप्लेनेशन। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको चैप्टर 2 एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।